उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद किम जोंग ने श्योर की लड़की की तस्वीर अपने बेटी के साथ होने की दी जानकारी। मिसाइल दागने के साथ ही अमेरिका को डाला चिंता में। पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति जल्द। गृह मंत्री सनाउल्लाह बोले अगले दो दिन में नाम पर लग जाएगी मुहर। जनरल कमर हावेद बाजवा के 29 नवम्बर को हो रहे रिटायर। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर फायर ट्रक में टकराया, दो अग्निशामकों की मौत। विमान की उड़ान भरते ही रनवे में घुसा ट्रक। बिकनी गर्ल्स में घिरा रहता था इस्लामिक धर्मगुरु, हुई 8000 साल की कैद। तुर्की में रहने वाले अदनान मुख्तार को हुई सजा। भारतीयों के लिए सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा। हज यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। आशी तमिल संगमम का औपचारिक शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के बटन दबाकर किया औपचारिक शुभारंभ। तमिल संगमम में पीएम मोदी का दिखा साउथ इंडियन अंदाज। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी को मार गिराया। 17 नवंबर को घुसपैठ कर रहे आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। यूपी में निकाय चुनाव में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर रोक, एडीजी कानून व्यवस्था ने जारी किया पत्र। चुनाव व निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस कर्मियों के अवकाश पर रोक। जेल में सत्यन जैन का हेड बॉडी मसाज, बीजेपी ने जारी किया वीडियो। कैमरे में कैद हुआ मिनरल वाटर, आप बोली शर्मनाक, बीमारी का मजाक बनाया। कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद घबराया एलोन मस्क के कर्मचारी ने सामूहिक रूप से दिया था इस्तीफा। मस्क ने रखी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ मीटिंग। चुनावी ने राजनीतिक पार्टियों की विशेष संपत्ति नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। उद्धव ठाकरे को लगा झटका, चुनाव हार जाते तो प्रतीक को उपयोग का अधिकार हो सकता है। माफी मांगे राहुल, वरना मुंबई नहीं आने देंगे। सावरकर पर विवादित टिप्पणी मामले में शिंदे गुट की चौपाल, राहुल गांधी के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। हाल ही में पंजाब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चार नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा, चार नेताओं को दी गई एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। गुजरात विधानसभा की 89 सीटों पर उतरे 788 प्रत्याशी, 1 दिसंबर को हो रहा है पहले चरण का मतदान। पहले चरण की 89 सीटों पर 70 महिला उम्मीदवार। केंद्रीय सह मंत्री राजेश तिवारी ने सभी खंड प्रखंड की ली बैठक, सरस्वती नगर में हित चिंतक अभियान को लेकर की बैठक। 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जारी रहेगा अभियान। कृषिभूमि को लेकर कुशवाहा समाज पर हुआ था प्राण घातक हमला, मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए सरकारी डॉक्टर ने मांगे पैसे, जिला कलेक्टर को शपथ पत्र देकर की शिकायत। रतलाम में जयस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जयस नेताओं पर दर्ज मुकदमे और रिहाई की मांग। इमामबाड़ा शहनजफ का नाम बदलकर गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा किए जाने पर नाराजगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने जताई नाराजगी, सरकार हुसैनाबाद ट्रस्ट के रवैये पर जताई नाराजगी। जशपुर विधानसभा क्षेत्र से निकली भारत जोड़ो यात्रा, विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नादेही शुगर मिल से निकली यात्रा। 21 तारीख को भ्रष्टाचार महंगाई को लेकर सचिवालय का करेंगे पूछ। गोचर मेले में शनिवार को डायट सभागार में आयोजित प्रेस सम्मेलन सम्मान समारोह में प्रेस प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर एलन मिश्र और एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने किया सम्मानित। भूपर यादव के लिए वोट मांगते हुए भावुक हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, नेताजी को याद करते हुए मंच पर फपक फपक कर रोए धर्मेंद्र यादव, कहा नेताजी के बिना चुनाव लड़ना कठिन है। गौतम अडानी ने इकोनॉमी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, आने वाले वक्त का समय भारत के लिए महत्वपूर्ण। नहीं रही मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम, 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन, फैंस में शोक की लहर। अरुणाचल प्रदेश को मिला पहला हवाई अड्डा, पीएम मोदी ने किया डूनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को किया उद्घाटन। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन में होंगी 17 बैठकें, पुरानी संसद में ही होगा संचालन।